पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की सेहत में लगातार सुधार, एम्स ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, इन्फेक्शन कंट्रोल में, ब्लड प्रेशर भी ठीक। एम्स डायरेक्टर ने कहा अगले दो दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है अटल जी को, 11 जून को सुबह भर्ती कराया गया था। वाजपेयी जी का हाल जानने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एम्स पहुंचे, थोड़ी देर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वाराणसी में पूजा, जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। बिहार के दरभंगा में पूर्व पीएम वाजपेयी के लिए मृत्युंजय यज्ञ, जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। भारतीय जवानों की शहादत पर बीएसएफ का जवाब, पाकिस्तान ने धोखा दिया, जवाब कैसे देना हम तय करेंगे। बीएसएफ के एडीजी कमलनाथ चौबे ने कहा हमने सीज फायर का सम्मान किया, पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 जवान शहीद, 3 जवान घायल। रामगढ़ सेक्टर के चमलियाल में रात 10:20 पर फायरिंग, पाकिस्तान ने मोर्टार दागे, बीएसएफ ने जवाबी फायरिंग की। जम्मू में शहीद जवानों ने श्रद्धांजलि दी गई, बीएसएफ के बड़े अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। सांबा में बाबा चमलियाल की दरगाह के पास सीमा पार से हमला, रात 10:30 पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। हमले के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे बाबा चमलियाल की दरगाह में, यहां जून में होता है उसका आयोजन। दरगाह पर पाकिस्तान के लोग भी आते हैं, फायरिंग शुरू होते ही दरगाह में मौजूद श्रद्धालु डर गए। बॉर्डर पर पाकिस्तानी गोलीबारी को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोवल और गृह सचिव की बैठक। बॉर्डर पर फायरिंग को लेकर राजनीति, कांग्रेस ने पाकिस्तानी नीति को फेल बताया, कहा पीएम भाषणों में नहीं सीमा पर बहादुरी दिखाएं। इंदौर में आध्यात्मिक गुरु भैयू जी महाराज का अंतिम संस्कार, बेटी कुहू ने दी मुखाग्नि। भैयू जी ने सुसाइड नोट में लिखा मुझे विनायक पर पूरा भरोसा है, बिना किसी दबाव के ले रहा हूं जिम्मेदारी सौंपने का ये फैसला। सूत्रों के मुताबिक बेटी कुहू दूसरी पत्नी आयुषी के बीच अनबन हो सकती है भैयू जी के तनाव की वजह, लेकिन पुष्टि नहीं। एएसएल मैक्सिस केस में ईडी ने कार्ति चिदंबरम पर चार्जशीट पेश की, 99 पेज की चार्जशीट में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम का भी जिक्र। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को आरोपी नहीं बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर करने की संभावना। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के 5 दिन बाद अखिलेश की सफाई, योगी सरकार पर ही पलटवार, बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटी लेकर आए अखिलेश, बोले हमने बच्चों को लैपटॉप बांटे और हमें टोटी को लेकर बदनाम किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा 3 उपचुनावों में हार की जलन है ये, पूछा बंगला छोड़ने के बाद वहां क्या करने गए थे 2 अफसर। अखिलेश का सीएम योगी पर वार, कहा गंजहियों भंगेड़ियों ने ही की है ये तोड़फोड़, सरकार बनी तो उनकी चिलम भी ढूंढ निकालेंगे। यूपी सरकार ने अखिलेश के आरोपों को उनकी बौखलाहट बताया, पूछा बंगले पर खर्च किए पैसे कहां से आए ये भी तो बताएं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से पूछा बंगले की दीवार क्यों तोड़ी, उसके पीछे क्या छिपा था ये भी बताएं। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा अखिलेश की बौखलाहट चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी। यूपी में 2019 चुनाव के लिए महागठबंधन की कसरत शुरू, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में शुरू हुई पहले दौर की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 30-30 सीटें खुद रखेगी बीएसपी और समाजवादी पार्टी, बैठक में रखा गया फॉर्मूला। बाकी 20 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस को देने पर चर्चा, आरएलडी को 3 सीटें, अन्य छोटे दलों के लिए 5-8 सीटें छोड़ने पर चर्चा। केजरीवाल को उन्हीं के तरीके से जवाब, बीजेपी के सांसद और विधायक सीएम दफ्तर में धरने पर बैठे, पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भी साथ। सीएम दफ्तर में धरने पर बैठे नेताओं ने 3 मांगे रखी, केजरीवाल ड्रामा बंद करें, जनता के काम करें और दिल्ली को पानी दें। एलजी ऑफिस में केजरीवाल के धरने के खिलाफ बीजेपी सड़क पर भी उतरी, आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक पैदल मार्च किया। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली की दिक्कतों से ध्यान हटाने के लिए किया है एलजी ऑफिस में धरने का ये ड्रामा। पुलिस ने बीजेपी का पैदल मार्च बीच में ही रोका, सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा चूहे की तरह बिल में छिपे हुए केजरीवाल।
मुंबई के वर्ली में एक टावर के ऊपरी हिस्से में आग लगी। आग बुझाने में जुटी दमकल की 6 टीमें। टावर के 32वें और 33वें माले में लगी आग, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के सोमनाथ हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, कार ड्राइवर ने पुलिस की हत्या की कोशिश की थी। गुजरात के राजकोट में पेट्रोल पंप में घुसी कार, 3 लोग बुरी तरह से घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने पूरा किया फिटनेस चैलेंज, पीएम हाउस में एक्सरसाइज करते हुए शेयर किया अपना वीडियो। 1 मिनट 48 सेकंड का है प्रधानमंत्री का फिटनेस वीडियो। पीएम ने कई एक्सरसाइज करके अपने हरदम एक्टिव रहने का राज बताया। पीएम हाउस में पंचतत्व ट्रैक पर चलते दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी, बोले पंचतत्व ट्रैक पर चलकर मैं ऊर्जावान महसूस करता हूं। पानी, मिट्टी, बालू, पत्थर और घास का ट्रैक है पंचतत्व ट्रैक, एक्यूप्रेशर की अच्छी एक्सरसाइज, पीएम रोज चलते हैं इस पर। कुमारस्वामी ने अपनी फिटनेस की चिंता पर प्रधानमंत्री को कहा शुक्रिया, जवाब में लिखा रोज योग करता हूं और ट्रेडमिल पर भी दौड़ता हूं। पीएम के फिटनेस चैलेंज पर टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा ने खुशी जताई, खिलाड़ियों के साथ सभी को फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत। हिमाचल में मनाली ले हाईवे पर हालात सामान्य हुए, 2 दिन पहले बाढ़ की वजह से फंस गए थे सैकड़ों टूरिस्ट।